कोई भी बड़ी कंपनी चाहे इंडिया में या फिर वर्ल्ड अराउंड, आप अगर उनका हिस्ट्री ट्रैक डाउन करेंगे तो आपको एक कॉमन सा पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा, और वो पैटर्न ये है कि जो भी बड़ी कंपनी आज के समय में एग्जिस्ट करती है, उनका जो शुरुआत है वो बड़े ही सिंपल से आइडिया के साथ, एक सिंपल से प्रोडक्ट के साथ, एक सिंपल से इनोवेशन के साथ और एक बहुत ही छोटी टीम के साथ हुई थी। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ी कंपनी जो बनी है वो यूजुअली गैराज से या फिर एक छोटे से रूम से स्टार्ट होती है, ये भी एक नॉर्मल सा पैटर्न है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर भी जो वीडियोस हम लोग डालते हैं, चाहे वो वीआरएल लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो बालाजी वेफर्स या फिर और भी कोई आप बिजनेस वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे देखें, आपको ये पैटर्न उनमें भी फॉलो होता हुआ दिखेगा। तो आज का जो वीडियो है वो भी एक ऐसी ही कंपनी के ऊपर है जो कि शुरू तो हुई थी एक बहुत ही सिंपल से आइडिया के साथ, और अगर आज के समय में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पे, लगभग 70% जो जॉब सीकर ट्रैफिक आता है गूगल के ऊपर वो इसी कंपनी के पास जाता है। और ये जो कंपनी है ये पहली ऐसी इंटरनेट कंपनी है जो कि NSE और BSE या फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर इंडिया के अंदर लिस्ट हुई थी। शुरुआत हुई थी इसकी 1997 के अराउंड सिंपल जॉब प्रोवाइड करने से, बट आज के समय में ये जॉब प्रोवाइड करने के अलावा और भी काफी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि naukri.com है जो कि एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, और इनके जो ओनर है संजीव बीक चंदानी जी वो आज के हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के हीरो होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो का जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करेगा संजीव बीक चंदानी के अराउंड ही। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक स्टार्टअप ओनर हैं या फिर एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने के साथ साथ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज जब भी कोई चीज शुरू किया जाता है तो उसे अंत तक ले जाया जाता है और उसको एंड तक भी ले जाया जाता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप वीडियो को अभी से छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिकॉज यहां से आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप 20 से छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इतना ही रिक्वेस्ट करना था मुझे आपसे। अब बिना समय गवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत, कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। देखो संजीव बीक चंदानी जी का जन्म है वो लगभग 1963 के अराउंड हुआ था दिल्ली में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में। इनके पापा जो थे वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वहां से वो पैसे कमाया करते थे और फैमिली का गुजारा चला करता था। इनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी, तो नॉर्मल सी सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली थी। संजीव बीक चंदानी जी का जब जन्म हुआ तो इनका शुरुआत से ही, जब से इनको होश आया, जब से ये सोचने समझने लायक हुए, उसी टाइम से इनका जो इंटरेस्ट था वो बिजनेस में था। और बिजनेस में इंटरेस्ट होने की वजह से इनको एक चीज पता चला कि यार मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है ही नहीं। ऑल्दो ये लोग पारसी फैमिली से आते हैं, पारसी फैमिलीज यूजुअली बिजनेस में रहती हैं, बट इनकी जो फैमिली थी, इनके जो रिलेटिव्स थे, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी बिजनेस में नहीं था। तो इनके पास एक सिंपल सा ऑप्शन बचा था, वो ये था कि मेहनत से पढ़ाई किया जाए, पढ़ाई करने के बाद से एक जॉब किया जाए, और जॉब करने के बाद से जो करना है वो करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये सिंपल सा चीज था। संजीव बीक चंदानी जी को इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, बिकॉज नॉर्मल से फैमिली से आते थे और नॉर्मल फैमिली तो अलग की बात है, कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस से। तो सबसे पहले जरूरी चीज इनके लिए ये था कि इनको एक्सपोजर मिले। तो इन्होंने एक पाथ डिसाइड किया, इन्होंने पाथ क्या डिसाइड किया कि पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद से मैं कुछ साल जॉब करूंगा, जॉब करते हुए मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपोजर मिलेगा तो फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन करना तो मुझे बिजनेस ही है। तो इन्होंने अपना इनिशियल पढ़ाई पूरा किया दिल्ली में। दिल्ली के बाद जब इन्होंने इनिशियल पढ़ाई पूरा किया तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया BA इन इकोनॉमिक्स, ये सेंट स्टीफन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद से इन्होंने लिंटास में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वहां पे लगभग इन्होंने 3 साल काम किया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। काफी अच्छा नॉलेज होगा बिजनेस के फंक्शनिंग के बारे में ये जान गए, बट उनको ये भी पता चला कि अगर मुझे और अपने करियर में ग्रो करना है तो मुझे थोड़ा हायर एजुकेशन और करना पड़ेगा। वो हायर एजुकेशन करने के लिए इन्होंने पीजी
PGDM किया IIM अहमदाबाद से। IIM अहमदाबाद से जब ये PGDM कर रहे थे तो जब फाइनल ईयर आया, सेकेंड ईयर जो होता है, तो वहां से इनको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन में। गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन वही कंपनी है जो कि हॉर्लिक्स बनाया करती है। तो वहां पे एज अ प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव इनको जॉब मिला और जॉब अच्छे से चल रहा था। इनको जो जॉब रोल मिला था वो ये था कि इनको हॉर्लिक्स का मार्केटिंग संभालना था। तो काम काफी अच्छा चल रहा था, 8,000 रुपए की सैलरी थी, शादी भी हो चुकी थी, इनके वाइफ का नाम सुरभि है, काम अच्छा चल रहा था। बट इनको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जो कि शुरुआत से इनका जो गोल था वो ये था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से एक दिन ये गए अपनी वाइफ से बताएं कि देखो यार, मेरा एम जो है, मेरा ड्रीम है वो बिजनेस स्टार्ट करने का, बट अगर मैं जॉब करता रहूंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। वाइफ अच्छी थी, समझी उनकी बातों को और उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना जॉब छोड़ो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, मैं जॉब करती हूँ। इनकी वाइफ नेस्ले में जॉब किया करती थी। तो थोड़ा सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद से संजीव जी ने अपना जॉब रिजाइन किया। जॉब से रिजाइन करने के बाद से ये आ गए अपने पापा के घर में। पापा के घर में एक रूम था, तो उस रूम को इन्होंने 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्होंने रेंट आउट किया। अपने पापा को ये रेंटल अमाउंट दिया करते थे। तो जब ये वहां से नौकरी वगैरह छोड़ के रेंट वगैरह पे रूम ले लिए, तो ये और अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक कलीग के साथ, इन दोनों ने मिलके दो कंपनीज की शुरुआत की। जो पहली कंपनी थी वो थी इन्फोएज और जो दूसरी कंपनी थी वो थी इंडमार्क के नाम से। अब इन दोनों कंपनीज, ये दोनों कंपनीज करती क्या थी, ये चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जो इन्फोएज थी वो बेसिकली सैलरी सर्विस किया करती थी। सैलरी सर्विस उनका जो कि न्यू MBA ग्रेजुएट्स थे या फिर जो न्यू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे, जो कि एंट्री लेवल पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते थे, उनका सैलरी सर्वे ये लोग किया करते थे। वो सैलरी सर्वे करके एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाया जाता था और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिपोर्ट को ये लोग लगभग 100-200 कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में थी, उनको ये लोग 5,000 रुपए के हिसाब से ये लोग सेल आउट किया करते थे, वो सैलरी सर्वे। तो पहला रेवेन्यू का स्ट्रीम तो वहां से था। दूसरा जो रेवेन्यू का स्ट्रीम था वो था इंडमार्क से। इंडमार्क बेसिकली ना ट्रेडमार्क सर्च डायरेक्टरी थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट लगभग 5 साल लेती थी एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए। यानी कि अगर आप आज एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, एक नाम, एक ब्रांड नेम अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 5 साल बाद बताएगी कि क्या ये नाम अप्रूव होगा या फिर नहीं। और अगर नाम अप्रूव नहीं हुआ तो वो आपका जो भी ब्रांडिंग आपने किया होगा, जो भी आपने ब्रांड वैल्यू बनाया होगा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को ये लोग इंडमार्क के थ्रू सॉल्व करते थे। ये लोग डायरेक्टरी बनाया करते थे जहां पे अगर आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो आप अपना नाम दे सकते हो। ये लोग सर्च करके बताएंगे कि क्या उस पर्टिकुलर नाम से कोई कंपनी है जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क अप्लाई किया या फिर नहीं। तो वहां से इनका दूसरा रेवेन्यू का सोर्स था। ये लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वो सर्वे करके बताया करते थे, लगभग 350 रुपए पर सर्वे ये लोग लिया करते थे। दूसरा रेवेन्यू का स्ट्रीम ये था, बट रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आता था। तो इस वजह से जो संजीव जी हैं वो अपने स्कूल वगैरह में ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करते थे, जिससे ये अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज किया करते थे। बिकॉज जब भी कोई बिजनेस आप शुरू करते हो ना, तो एज अ बिजनेस ओनर आपको सैलरी लेना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। कभी कभी तो हम ले भी नहीं पाते हैं सैलरी, बिकॉज और भी जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को मीट करना है, और भी जो खर्चे होते हैं उनको मीट करने के लिए। तो संजीव जी के जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे, ये ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, कॉलेजेस वगैरह में जाके, एज अ गेस्ट लेक्चरर जाके, वो वहां से लगभग 2,000 रुपए पर मंथ कमाया करते थे, उससे इनके पर्सनल एक्सपेंसेस मीट हुआ करते थे। बट चीजें तो बहुत अच्छी चल रही थी। 1991 के अराउंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो एक टेंडर निकालती है। टेंडर ये था कि उनको उस टाइम पे ना वीडियो मैसेजिंग का फीचर लॉन्च करना था। वीडियो मैसेजिंग फीचर लॉन्च करना था, तो इस वजह से उनको एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था जो कि डेटाबेस को मैनेज कर सके। और डेटा मैनेज करने के साथ साथ वो जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो इनिशियली कोई पैसा नहीं देगी, बट ऑन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल उन लोग को काम करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के साथ। तो इस चीज के लिए इन्होंने अपना पूरा डेटाबेस वगैरह बनाया, सारी चीजें प्रेजेंट की। 30-40 लोगों का एप्लीकेशन आया था, उनमें से इन लोग का भी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि वो लोग अभी सोचे कि अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे। बट जो इनका मेहनत था, इन्फो एज का जो मेहनत था वो डेटाबेस बनाने का, वो तो वेस्ट चला गया। उसके बाद से इन्होंने कोशिश किया कि कहीं ना कहीं हम लोग ये डेटाबेस यूज करें, कुछ और सर्विस लॉन्च करें, बट ऐसा हुआ नहीं। इसी टाइम पे इनके जो पार्टनर थे और संजीव जी के बीच में कुछ क्लैशेस हो गए। बिकॉज देखो, बिजनेस शुरुआत में जब होता है ना और पैसा नहीं बनता है, तो उस टाइम पे आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काफी सारे क्लैशेस आ सकते हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही आपका बिजनेस पार्टनर या फिर आपके स्टाफ वही सेम चीज सोचें या फिर उसी सेम पाथ को फॉलो कर सकें। तो इन लोग के बीच में भी क्लैशेस हुए। क्लैशेस होने के बाद से इन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग एक एक कंपनी लेके और आधा आधा स्टाफ करके हम लोग सेपरेट आउट हो जाते हैं। सेपरेशन होने के बाद से संजीव बीक चंदानी के हाथ
हाथ में पड़ा इन्फो एज, और इन्फो एज के साथ साथ वो डेटा बेस जो कि इन्होंने प्रिपेयर किया था गवर्नमेंट एजेंसी को देने के लिए, ये दोनों इनके हाथ में पड़ा। जब इनके हाथ में वो दोनों चीजें पड़ी तो अब ये क्लूलेस थे कि मुझे अब आगे करना क्या है। बिकॉज देखो, जब आप एक बिजनेस में रहते हो और बिजनेस में ऐसी चीजें हो जाए जो कि टोटली अनप्रिडिक्टेड है, अगर ऐसी चीजें होती है ना तो एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ सिचुएशन होता है ये, और यहां से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सेम चीज हुआ संजीव जी के साथ भी, ये क्लूलेस हो गए थे कि अब मैं करूं क्या। तो 1996 के अराउंड एक इवेंट हो रहा था, एक एग्जीबिशन हो रहा था आईटी एशिया करके, ये एग्जीबिशन दिल्ली के अंदर हो रहा था। तो वहां पे संजीव जी गए, बिकॉज देखो जब एक बिजनेस ओनर मुसीबत में रहता है तो ही थिंक्स ऑफ कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ सोल्यूशन मिल जाए जिस सोल्यूशन को मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकूं। तो इसी वजह से ये उस एग्जीबिशन में गए। उस एग्जीबिशन में जब ये गए तो एक स्टॉल वहां पे लगा हुआ था, वहां पे WWW लिखा हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब, ये वहां पे लिखा हुआ था। इनको क्यूरियोसिटी आई कि मैं ये WWW एक्चुअली है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूंगा। तो ये स्टॉल वाले के पास गए, वहां पे जो वो स्टॉल वाला था वो बेसिकली ईमेल आईडी सेल किया करता था, VSNL के ईमेल आईडी वो सेल कर रहा था। तो ये पूछे कि भाई ईमेल आईडी है क्या, बिकॉज इनको पता नहीं था कि ईमेल आईडी एक्चुअली है क्या। तो धीरे धीरे इनको पूरा पता चला कि ईमेल आईडी है क्या, इसको यूज क्या होता है और आगे इसका स्कोप क्या है। इसी चीज के ऊपर जब इन्होंने और अपना रिसर्च वगैरह किया तो इनको पता चला कि उस टाइम पे इंटरनेट की एंट्री इंडिया में हो रही थी, और इंडिया में एंट्री होने के साथ साथ जो इंटरनेट का पूरा जो इकोसिस्टम था वो इंडिया को आगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला था। तो इसी चीज के ऊपर जब इन्होंने एनालिसिस किया तो इनको दिखा कि केवल 14,000 लोग उस टाइम पे इंटरनेट यूज किया करते थे, और इनको दिखा कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैं इस समय पे अगर इंटरनेट वर्ल्ड में मैं कुछ किया तो आगे जाके ये चीज बहुत बड़ी बन सकती है। तो आइडिया इनके पास सिंपल था, तो इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक वेबसाइट बनाते हैं। बट अगर आपको उस टाइम पे एक वेबसाइट बनाना था तो उसके लिए आपको एक सर्वर रेंट आउट करना पड़ता था, और सर्वर यूएसए में हुआ करते थे, तो यूएसए के लोग ही सर्वर को रेंट आउट कर सकते थे। संजीव के भाई थे वो यूएस में एक टीचर थे, तो इन्होंने उनसे बात किया कि भाई हमें सर्वर वेबसाइट वगैरह बनाना है। तो स्टार्ट हो गया 1997 में Naukri.com की स्टार्ट हो गई। Naukri.com को स्टार्ट करने के पीछे एक सिंपल सा आइडिया था, वो आइडिया ये था कि जब ये गैलेक्सी स्मिथ क्लाइन में काम करते थे तो उनको वहां पे एक प्रॉब्लम दिखी कि जो भी वहां पे एम्प्लॉइज थे, जो भी स्टाफ थे, वो अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में क्लासिफाइड्स देखा करते थे। क्लासिफाइड्स यानी कि जहां पे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट रहता है, जहां पे अलग अलग कंपनीज अपना अपना जॉब वगैरह निकालती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज को ऑनलाइन एक डेटाबेस पे इसको लेते आऊं, एक इंटरनेट के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर इन चीजों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि जहां से कोई भी जॉब के बारे में सर्च करे तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और यहीं से शुरुआत हुई Naukri.com की। तो जब Naukri.com शुरू हुआ था तो इन्होंने, संजीव जी और उनकी जो टीम थी, इन्होंने लगभग 1,000 जॉब एड्स इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया, जिसे इन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग लोगों से इकट्ठा किया था और इसे अपने उस पोर्टल के ऊपर पोस्ट किया था। और संजीव जी ने ये एनविजन किया था कि Naukri.com को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज आके मिल सके और जिसको जो जरूरत है वो वहां से फुलफिल कर सके। देखो उस टाइम पे शुरुआत किया था Naukri.com का ये चीज सोच के, बट कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल थे। कॉम्पिटिटर्स जो थे वो थे Rediff.com और खोज नाम से कुछ वेबसाइट्स हुआ करती, जो कि यूएस रेसिडेंट, यूएस में जो इंडियंस रहा करते थे उनके लिए ये पोर्टल्स काम किया करते थे। और जो Naukri.com का जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था वो ये था कि जो Naukri.com वो इंडिया के लिए है और इंडियंस के लिए है, इंडिया से है। तो ये चीज, इस चीज की वजह से Naukri.com को एक एडिशनल पुश मिला, बिकॉज उस टाइम पे इंडियंस के लिए इंडिया में कुछ नहीं था ऐसा जहां से वो जॉब्स वगैरह को सर्च कर सके। तो 1,000 क्लासिफाइड्स पहले साल पोस्ट हुआ, 1,000 क्लासिफाइड जब पहले साल पोस्ट हुआ तो Naukri.com ने लगभग 230,000 के आसपास पहले ईयर में रेवेन्यू किया। और वो रेवेन्यू ऐसे हुआ कि जो भी 1,000 क्लासिफाइड्स है ना, उनमें से जो 800 क्लासिफाइड्स है उससे Naukri.com को कोई भी पैसा नहीं मिला था उन क्लासिफाइड्स को पोस्ट करने के लिए। तो जो 200 क्लासिफाइड्स थी बस उनसे Naukri.com में लगभग 230,000 का रेवेन्यू बनाया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्केबल चीज था। फॉलोइंग टू द सेकेंड ईयर Naukri.com ने लगभग 18 लाख का रेवेन्यू किया सिर्फ जॉब एडवर्टीजमेंट्स अपने पोर्टल पे डाल के। और जब 18 लाख का रेवेन्यू किया तो फिर आईबॉल्स अट्रैक्ट करना शुरू किया। संजीव बी चंदानी जी के पास काफी VCs और काफी इन्वेस्टमेंट फर्म्स का कॉल आया कि अब हम आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज देखो, जब
जब ग्रोथ होता है ना तो काफी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट द पाई ऑफ द केक. सब लोग चाहते हैं कुछ हम भी हमारा भी फायदा हो जाए. तो VCs वगैरह और जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी वो लोग संजीव बीकचंदानी जी को अप्रोच किए बट संजीव बीकचंदानी जी ने रिजेक्ट किया उन सारों को बिकॉज वो सोचते थे कि भाई पैसा बन रहा है हम खुद के पैसे से ही ग्रो करेंगे. बट लेटर इन्होंने रियलाइज किया कि अगर मुझे बहुत बड़ा गेम खेलना है तो मुझे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही. तो बाद में इन्होंने ICICI वेंचर्स के साथ लगभग 7 करोड़ 30 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट लिया और बदले में इन्होंने ICICI वेंचर्स को इन्होंने लगभग 15% का स्टेक दिया. और जब ICICI वेंचर्स ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद से इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी था इनके पास, एक अच्छा आइडिया भी था और एक अच्छी टीम भी थी और ये लोग अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे थे. और 2004 के अराउंड Naukri.com ने लगभग 45 करोड़ का रेवेन्यू किया और लगभग 8.5 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया 2004 में, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल चीज थी एक इंटरनेट कंपनी के लिए बिकॉज उस समय पे इंटरनेट टोटली नया था, टोटली नया प्रोडक्ट था, लोगों को इंटरनेट के बारे में अवेयरनेस नहीं था. तो उस टाइम पे ये फिगर्स काफी रिमार्केबल थे. 2006 के अंदर Naukri.com की जो पेरेंट कंपनी InfoEdge, इन्होंने अपने आप को लिस्ट ऑन किया NSE और BSE के ऊपर. ये पहली ऐसी इंटरनेट कंपनी थी जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हुई थी और उसके बाद से इनका ग्रोथ शुरू हुआ. उसके बाद से जो मेजर रिमार्केबल चेंज आया Naukri.com के अंदर वो 2012 के अराउंड था. 2012 के अराउंड देखो मोबाइल फोन यूजर्स बढ़ रहे थे इंडिया में, तो इन्होंने डिसाइड किया अगर हमें अपने प्रोडक्ट को मासेस तक ले जाना है तो हमें अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. और उन चेंजेस के तहत इन्होंने अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि ब्लैकबेरी एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए था 2012 में. और जब इन्होंने उस टाइम पे लॉन्च किया तो इन्होंने देखा कि जो आधे से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर ही आ रहा है और इस वजह से उनके रेवेन्यूज और ज्यादा शूट अप हो गए. और आज के समय में देखा जाए तो लगभग 37 मिलियन प्लस जॉब सीकर्स हैं जो कि Naukri.com के ऊपर रजिस्टर्ड हैं. और इंटरनेट के ऊपर जो भी जॉब सीकिंग जो ट्रैफिक्स होती हैं जो कि गूगल के ऊपर आती हैं वो ट्रैफिक्स लगभग 70% जो ट्रैफिक है वो Naukri.com के ऊपर विजिट करती है. तो लगभग अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अगर इंटरनेट जॉब सीकिंग का अगर जो स्पेस है उसमें 70% का जो मार्केट शेयर है वो Naukri.com का ही है. Naukri.com InfoEdge की एक कंपनी है, साथ ही साथ InfoEdge की और भी अलग अलग कंपनीज हैं जैसे कि 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, Quadrangle और भी काफी सारी कंपनीज इनकी हैं जो कि आज के समय में जिसके चेयरमैन है संजीव बीकचंदानी जी. और संजीव बीकचंदानी की जो InfoEdge है वो बस कंपनीज ओन नहीं करती है, साथ ही साथ जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं उसमें भी InfoEdge एज अ इन्वेस्टर है, जैसे कि आप Zomato ले लो, पॉलिसी बाजार, साथ ही साथ और भी ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिसमें InfoEdge बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके और वहां पे भी शेयर होल्डिंग पोजिशन पे है. तो कंपनी की शुरुआत तो हुई थी एक नॉर्मल सा डेटाबेस बनाने से. डेटाबेस बनाते बनाते आज कहां पे चली आई है Naukri.com ये बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप भी ऑनलाइन अगर जॉब सर्च करेंगे या फिर आप जॉब ढूंढेंगे तो आपको Naukri.com कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा फर्स्ट पेज के ऊपर गूगल के ऊपर. तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. और आज के समय में Naukri.com मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन पे. शुरुआत तो हुई थी छोटी सी आइडिया के साथ. अब सबसे मेन पार्ट पे आ जाता है, अब लर्निंग क्या क्या हम लोग ले सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से. सबसे पहली लर्निंग और जो मुझे लगता है हम बिजनेस ओनर्स को आना चाहिए वो ये है कि अगर आप एक बिजनेस पार्टनर चूज कर रहे हो तो आपको बड़े ध्यान से चूज करना पड़ेगा बिकॉज संजीव बीकचंदानी जी का अगर आप स्टार्टिंग देखो 1990s जो इन्होंने अपना बिजनेस पार्टनर चुना था वो जब कुछ हर्डल्स आए कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वहां से सेपरेशन हो गया, इस वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया, नहीं तो बहुत पहले ही Naukri.com शुरू हो गया रहता और आज के समय में एक अलग शेप में भी हो सकता था, ये मेरा अजम्पशन है. बट अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो बिजनेस पार्टनर होना चाहिए उसे चूज करने में आपको बहुत ज्यादा समय देना है. दूसरा जो है वो ये है कि आप शुरुआत में एक मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपको काफी सारे आइट्रेशन करने पड़ेंगे, आपको काफी सारे ट्रायल टेस्टेस और भी काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी जब तक आपका एक मार्केट फिट प्रोडक्ट आए. तो आपको शुरुआत में अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना तो उसी से आपको नहीं सोच लेना चाहिए नहीं यही प्रोडक्ट मेरा हिट हो जाएगा, जरूरी नहीं है. आपको टेस्ट और ट्रायल करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको एक मार्केट फिट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपके लिए एक हीरो प्रोडक्ट भी कहलाएगा, जैसा हुआ था InfoEdge के साथ. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम. अगर आप संजीव बीकचंदानी जी का देखें तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू
इंटरव्यू में बोला कि जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और उससे जो अगले 10 साल थे वो समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का समय था, बिकॉज उन 10 सालों में मेरे पास बहुत ही कम पैसे हुआ करते थे, मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ही बस मीट कर पाया करता था, इसके अलावा मुझे और कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिला करता था। तो पेशेंस और थोड़ी ह्यूमिलिटी आप में होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस के साथ डटे रहें, और जब आप डटे रहोगे कुछ सालों तक, मिनिमम 5 साल तो आपको अपने बिजनेस में देना ही है, बिकॉज जब तक आप वो 5 साल नहीं दोगे यू कैन नॉट मेक अ बिग बिजनेस। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग और ये था मेरा एनालिसिस naukri.com के ऊपर, naukri.com की जो पेरेंट कंपनी InfoEdge के ऊपर, InfoEdge से बड़ी संजीव बीक चंदानी के ऊपर। ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कीजिए, फीडबैक सजेशन को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशनल एजुकेटिव और बिजनेस टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।